हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ AK पब्लिक स्कूल बोकारो। आज क्लास टू का कंप्यूटर करेंगे। कंप्यूटर में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द माउस। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ड्रैग एंड ड्रॉप। मूविंग द माउस विल कीपिंग द लेफ्ट बटन प्रेस्ड इन इज कॉल्ड ए ड्रैगिंग। Raising the button to the place to move atom a new position is called dropping. The entire processing is called a drag and drop. देखिए, drag क्या होता है? अगर एक चीज़ को हम press करके हल्का हल्का move करके उसको दूसरे जगह लेके जाएँ, तो उसको press करके pressing को हम लोग क्या कहते हैं? Left button को press करने को हम लोग dragging कहते हैं। और जहाँ हम लोग इसको जाके रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे इसको मूव करके, तो उसको हम लोग ड्रॉपिंग कहते हैं। इसको न्यू पोजीशन में आ जाएगा, माने वो चीज़ तो ड्रॉपिंग कहते हैं। और इस पूरे पोजीशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। जैसे आप क्लिक किए, ठीक है, क्लिक के लिए ये आइटम को, और उसको हमको मूव किया, जैसे ये मूव करके ड्रैग करके यहाँ पर लाए। और यहाँ पर देखिए, आपका ये वाला भी जहाँ सेलेक्ट किए थे, ये भी हल्का ड्रैग करके यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम लोग इसको छोड़ दिए, मैंने छोड़े तो उसका ड्रॉप कर दिए। इसको ड्रॉप कर दिए तो वो आइटम आपको यहाँ से यहाँ न्यू प्लेस में आएगा। इसको हम लोग ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रैगिंग माने हल्का से खींचना। अब स्क्रोलिंग, स्क्रोलिंग क्या होता है? इफ़ यू आर यूजिंग द स्क्रोलिंग माउस, रोलिंग इट स्क्रोल व्हील अप एंड डाउन इट कॉल ए स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग द माउस मूविंग द अप मूविंग द पेज अप एंड डाउन, ये काम करता है। देखो, स्क्रोलिंग जो व्हील होता है, जो बीच में व्हील होता है स्क्रोलिंग माउस के लिए, वो क्या होता है? अप एंड डाउन काम करता है। वो किसका? पेज को अप एंड डाउन करने का काम करता है। ये काम होता है स्क्रोलिंग व्हील का। अब यूजिंग टच पैड इन ए लैपटॉप में, टच पैड कैसे यूज करते हैं लैपटॉप में? ए लैपटॉप हैज ए टच पैड इंस्टेड ऑफ द माउस। इट ऑल्सो हैज लेफ्ट एंड राइट बटन सिमिलरली टू ए माउस। देखिए, लैपटॉप में क्या रहता है? तो आपका टच पैड रहता है, माउस नहीं रहता है। और उसमें राइट और लेफ्ट बटन भी रहता है, जैसे आपका माउस में रहता है। देखिए, ये लेफ्ट बटन है, ये राइट बटन है, ये टच पैड है। अब क्या कहता है? We use the touchpad on the and the button of the laptop to do the following. देखिए, हम लोग क्या यूज़ करते हैं टच पैड और बटन को? मूविंग द पॉइंटर ऑलवेज मूव योर फिंगर स्लाइटली ओवर द टच पैड टू द मूव द पॉइंटर टू द एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन। क्लिक टैप टैप द टच पैड ऑन द वंस और प्रेस द लेफ्ट बटन वंस टू द सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। देखिए, पहले पॉइंटर, मूविंग द पॉइंटर का मानी इसको पॉइंट करने के लिए हल्का सा उसको स्लाइटली, देखिए हल्का हल्का उसको ओवर करिएगा तो उसको वो जो पॉइंटर रहता है स्क्रीन का वो मूव करने लगेगा। क्लिक करते हैं उसको ट्रैप करने के लिए, ट्रैप करके या वंस द प्रेस करने के लिए, वंस द प्रेस करिएगा तो वो आपका लेफ्ट बटन भी यूज़ कर सकते हैं एक बार सेलेक्ट करने के लिए। डबल क्लिक करें, टैप द टच पैड ट्विंस और प्रेस द लेफ्ट बटन ट्विंस ओपन द कंटेंट्स ऑफ ए आइकन। ये हम लोग उसको टच पैड को दो बार क्लिक कर सकते हैं या लेफ्ट बटन को प्रेस करके दो बार प्रेस कर सकते हैं, तो वो कंटेंट जो आइकन का कंटेंट है वो खुल जाएगा। राइट क्लिक होता है, अब क्या है? प्रेस द राइट बटन वंस टू ओपन द शॉर्टकट मेनू। हमको राइट क्लिक करेंगे तो एक बार क्लिक करेंगे तो आपका शॉर्टकट मेनू आ जाएगा। ड्रॉप एंड ड्रैग। प्रेस द लेफ्ट बटन एंड मूव योर फिंगर ओवर द टच पैड टू ड्रैग एंड ड्रैग द आइटम टू द न्यू प्लेस ऑन द स्क्रीन। देखिए, प्रेस करना है लेफ्ट बटन को, हल्का मूव करना है फिंगर को ओवर द टच पैड को मूव करेंगे तो वो आइटम को ड्रैग हो जाएगा
और एटम न्यू प्रेस में चले जाएगा। इस तरह से हम लोग टच पैड को यूज़ करते हैं लैपटॉप में। चलिए, ये पूरा चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। हर एक टॉपिक को पढ़िएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।